एकाकी जीवन बिताने वाले अभियंता ने मां की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये घटना वर्धा मार्ग की हिंदुस्तान कॉलोनी में हुई। 5 दिन बाद वारदात का खुलासा हुआ है। मृतक नीला विष्णु चोपड़े तथा उनका बेटा श्रीनिवास चोपड़े है। माँ बेटा हिंदुस्तान कॉलोनी के चंद्रमणि हॉल के पास रहते थे। लीला के पति शिवाजी साइंस कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी काफी पहले मृत्यु हो गई है। लीला को बेटा श्रीनिवास और विवाहिता बेटी स्मिता पाटिल है। वो इंजीनियर है और पति के साथ मुंबई में रहती है। श्रीनिवास भी इंजीनियर था। उसने 1994 में महज 1 वर्ष इंडोरामा में काम किया। तब से वो घर में ही रहता था। उसने शादी भी नहीं की थी। स्मिता की गुरुवार को अंतिम दफा माँ से बात हुई। तब से स्मिता को दोनों के मोबाइल बंद मिल रहे थे। स्मिता का भांजा सागर इंगले कोराडी में रहता है। स्मिता ने भांजे को माँ और भाई का हालचाल जानने के लिए घर जाने को कहा। सागर मंगलवार रात हिंदुस्तान कॉलोनी पहुंचा। मेन गेट, चैनल गेट तथा खिड़कियां भीतर से बंद होने से सागर ने काफी आवाज लगाई। प्रतिसाद नहीं मिलने पर उसने धंधुली पुलिस को सूचना दी। पीआई महेश चौहान साथियों सहित वहां पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया तो बेडरूम में लीला और श्रीनिवास का शव पड़ा मिला था। लीला के पेट में चाकू घोंपा गया था, जबकि श्रीनिवास के शव के पास रखी जहर की बोतल से खुदकुशी किए जाने का पता चल रहा था। 4-5 दिन से शवों के पड़े होने से घर में दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस ने शव मेडिकल रवाना कर स्मिता को घटना की सूचना दी। वो आज नागपुर पहुंच गई है। वो भाई द्वारा मां की हत्या कर खुदकुशी किए जाने की वजह बता नहीं पा रही है। पड़ोसी भी किसी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मां बेटों का उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। उनका घर हमेशा ही बंद रहता था। इसी बर्ताव से पड़ोसी भी उन्हें नजरअंदाज करते थे। इसलिए 4-5 दिन बाद भी उन्हें दोनों की मौत होने का पता नहीं चल पाया। दोनों ने कोई नौकर भी नहीं रखा था। इससे मां बेटे के बीच कोई विवाद होने का भी पता नहीं चल पाया है। धंधुली पुलिस ने श्रीनिवास पर हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ की है। यदि सागर इंद्रे ने फिरियाद दी कि उसकी मामी मुंबई में रहती है, उन्होंने कॉल करके बताया कि उसकी माँ और भाई ये हिंदुस्तान कॉलोनी में रहते हैं, वो 4-5 दिन से फोन नहीं उठा रहे हैं, उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तुम जाके वहाँ देखो। इस वजह से वो वहाँ जाके देखा उसने, तो वहाँ मेन गेट को अंदर से लॉक लगा हुआ था और जो गेट था मेन दरवाज़ा वो भी अंदर से पूरा बंद था। उसने वहाँ दरवाज़ा ठकठकाया कि कोई खोले करके, पर कोई किसने अंदर से किसने खोला नहीं। उसने चारों तरफ देखा कि अंदर से प्रवेश कर सकते क्या, पर कहीं से अब सब अंदर से बंद थे दरवाजे। इस वजह से उसको थोड़ा डाउट आया, इसलिए उसने थाने में आके रिपोर्ट दी थी। तब हम और पुलिस स्टाफ लेके वहाँ गए, तो वहाँ का मेन गेट का दरवाज़ा खोले और मेन दरवाज़ा भी खोल के अंदर प्रवेश किए तो बेडरूम में उनके जो भाई और माँ ये दोनों की मृत अवस्था में बॉडी मिली। वहाँ देखा तो माँ को स्टैबिंग, चाकू से स्टैबिंग करके उनका खून कर दिया गया है और लड़के ने खुद पॉइजन लेके सुसाइड किया है। लड़का श्रीनिवास चोपड़े है, वो 50 साल उम्र है और माँ की 75 साल उम्र है। ऐसा उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लड़का कुछ काम करता नहीं था, पिताजी के पेंशन पे उनका उधर निर्वाह चल रहा था।